नवजात बच्चों में मूक विधिर से सावधान करते हुए फोर्टिस मोहली के ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अशोक गुप्ता ने विश्व स्तरीय अध्ययन रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि प्रति 1000 नवजात बच्चों में औसतन एक बच्चा जन्मजात मूक विधिर का शिकार होता है। यदि उसका सही समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो वे गूंगेपन का शिकार भी हो सकता है, परंतु ज्यादातर बच्चों की ये बीमारी की शिनाख्त ही नहीं हो पाती है या फिर ज्यादातर देरी भी हो जाती है। इसलिए बच्चों के पैदा होने के बाद उसका माहिर डॉक्टर के द्वारा जांच करवाना चाहिए ताकि ऐसी बीमारी होने की सूरत में बच्चे का बिना देरी इलाज हो सके। डॉक्टर अशोक गुप्ता ने बताया कि यदि 6 माह के अंदर ऐसे मूक विधिर बच्चों को कॉकलियर इम्प्लीमेंट सर्जरी हो जाए तो बेहद शानदार नतीजे देखने को मिलते हैं। देरी की सूरत में पीड़ित बच्चे के दिमाग के बोलने वाले हिस्से पर 6 साल की उम्र के उपरांत सिर्फ देखकर समझने वाली दिमागी विकास हो सकता है। इसलिए जितनी जल्दी कॉकलियर इम्प्लीमेंट सर्जरी हो उसके नतीजे उतने ही सकारात्मक होते हैं। गौरतलब है कि अब तक 400 से अधिक बच्चों के सफल कॉकलियर इम्प्लीमेंट सर्जरी कर चुके डॉक्टर अशोक गुप्ता ने भी बताया कि जो बच्चे जन्म उपरांत देरी के साथ रोते हैं उन बच्चों में इस बीमारी का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे बच्चों में ऑडियोमेट्री टेस्टों की जरूरत होती है। इस उपरांत सीटी स्कैन तथा कनपट्टी की हड्डी की MRI द्वारा ये पता लगाया जाता है कि बच्चे के कान में धोगे जैसे सुनने वाला कुदरती यंत्र है भी या नहीं। इस दौरान उन्होंने एक अन्य पहलू पर बोलते हुए बताया कि रोबोटिक सर्जरी जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी को शुरू में फिजूल समझा जाता था, खासकर सिर व गर्दन के कैंसर के केसों में पहले तो इसे बेकार माना जाता था। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी न केवल संबंधित जगह तक पहुंचती है बल्कि ट्यूमर के मकुमल सफाया भी किया जा सकता है। प्रक्रिया को सरल एवं आसान भी बनाया जाता है। ऑपरेशन के दौरान खून का बिना मतलब नुकसान नहीं होता है तथा रिकवरी के लिए ज्यादा समय अस्पताल में दाखिल भी नहीं रहना पड़ता है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी थायराइड के ऑपरेशन के लिए भी शानदार नतीजे देती है, क्योंकि थायराइड का ऑपरेशन शारीरिक सुंदरता को प्रभावित करता है, परंतु रोबोटिक सर्जरी एक बाल जैसे पतले तथा छोटे से चीर के साथ हो जाते हैं जो आम ऑपरेशन के निशान की तरह नजर नहीं आता है। उन्होंने बताया कि ऐसे 100 से अधिक सफल ऑपरेशन अभी तक वे कर चुके हैं। सोलन में हिमाचल प्रदेश सर्व कर्मचारी पेंशनर श्रमिक और युवा बेरोजगार संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने पत्रकार वार्ता कर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने चुनावी रैलियों में कहा था कि वे जहां जहां जाएंगे वहां से कांग्रेस को अवश्य लीड मिलेगी, लेकिन वे जहां जहां गए वहां कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सत्ता में आते ही कहा था कि वे 25 वर्ष तक अब सत्ता में रहेंगे। उनके कुशल नेतृत्व को देखकर ऐसा लगता है कि वे 25 वर्ष नहीं बल्कि और भी कई वर्षों तक मुख्यमंत्री बनकर रहेंगे। हिमाचल प्रदेश सर्व कर्मचारी पेंशनर श्रमिक और युवा बेरोजगार संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने कहा कि हिमाचल में भाजपा की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। उन्होंने इस विजय के 2 कारण बताए और कहा कि मुख्यमंत्री हिमाचल के पेंशनर्स को काफी वित्तीय लाभ दे रहे हैं और कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि समझा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद हिमाचल में 106 रैलियां की जो कि इतिहास रचने वाली थी। यही वजह है कि कांग्रेस का प्रदेश से सुफड़ा साफ हो गया। उन्होंने राहुल गांधी और वीरभद्र को गुरु चेले की उपाधि देते हुए कहा कि दोनों ही हिमाचल में बुरी तरह असफल रहे हैं और जब जब वीरभद्र स्टार प्रचारक बने हैं तब तब कांग्रेस का यही हाल हुआ है और कांग्रेस चारों खाने चित रही है। उन्होंने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, भविष्य में उनके बेटे विक्रमादित्य की भी जमानत जब्त होकर रहेगी जिसकी शुरुआत लोकसभा चुनाव से हो चुकी है। दिव्यांगों को शिक्षा देने में लगी कोशिश। एक आशा संस्थान के विशेष स्कूल ने ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन दिल्ली के सहयोग से रामपुर में दिव्यांग स्कूली छात्रों के लिए वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया।
इस दौरान दिव्यांग स्कूली छात्रों की विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं भी कराई गई। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ तहसीलदार रामपुर विपिन ठाकुर और ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल वर्मा ने किया। समारोह के दौरान दिव्यांग छात्रों की ओर से विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई ताकि उन्हें भी समाज में आगे बढ़ने का मौका मिल सके। इस प्रतियोगिता में रामपुर के अलावा किन्नौर, आनी, निरमंड और आसपास के क्षेत्रों से आए विकलांग बच्चों ने हिस्सा लिया। ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन दिल्ली की ओर से विजेताओं को नगद इनाम भी दिए गए। तहसीलदार रामपुर विपिन ठाकुर ने दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और कहा कि इन बच्चों के उत्थान और सहायता के लिए स्थानीय स्तर पर भी हर संभव मदद की जाएगी। इस दौरान कोशिश एक आशा संस्थान के संचालक और ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बताया कि दिव्यांगों को उनके हक दिलवाने के साथ साथ समाज में उन्हें शिक्षित, आर्थिक व सामाजिक तौर पर सशक्त बनाया जाएगा। कोशिश एक आशा संस्थान के संचालकों ने बताया कि शिमला जिला के अलावा किन्नौर और साथ लगते क्षेत्रों में दिव्यांग बच्चों के लिए कोई विशेष स्कूल नहीं है, इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि रामपुर में ऐसे बच्चों को शिक्षा दी जाए।